साथ साथ उनका भी निकलना जरूरी रहता है। आज तिरंगे का भी जादीकरण कर दिया है कुछ कट्टरपंथियों ने। इस देश में सेक्युलरिज्म तभी तक है जब तक हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। केवल एक लास्ट पॉइंट रवि जी, थोड़ा सा तो प्रभु श्री राम के चरित्र को भी तो डिबेट में दिखाइए। वो तो शांत रहते थे, संयमित रहते थे। सुन लीजिए, अब मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अभी बज रहा है 5:25 17 सितंबर, रिकॉर्ड करके रख लो न्यूज 18 वालों। ये अब कल से ड्रामा नया शुरू होगा, पार्ट 2। अरविंद केजरीवाल बोलेंगे मैं इस घर में नहीं रह सकता। आतिशी बोलेगी नहीं सर, आपको ही रहना है। नहीं, मैं नहीं रह सकता, अब मैं गलियों में जाऊंगा, अब मैं वहां पर जाऊंगा, झुग्गियों में जाऊंगा, मैं झुग्गी में रहूंगा। फिर आएगी ब्लू वैगन आर, ब्लू वैगन आर में बैठेंगे और जाएंगे और फिर बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। अब देखना ये पूरा ड्रामा होगा। ये कल से ड्रामा ना हो तो मुझे बुलाना कल की डिबेट में 5 बजे। ये कल से ड्रामा होने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखित में ले लो। रवि जी क्या कह रहे हैं? नहीं तो आप कह दीजिए ना, ये सब नहीं होगा, वो शीश महल में ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। रवि जी बोल दीजिए। पहली बात तो वो शीश महल नहीं है, मुख्यमंत्री निवास है। तो दिखा दो, परिभाषा एक बार खोल के दिखा दो, और आगे के लिए एक बार खोल के दिखा दो, यूज करिएगा इसको। प्रियंका कंडपाल को भेजो उनके घर पे, दिखाइए कि सरकारी मुख्यमंत्री आवास, सरकारी 8 लाख का कमोड है, 8 लाख का कमोड। मैंने सोचो, नहीं सुनिए सुनिए, 8 लाख मेरी पूरी एजुकेशन पे नहीं खर्च हुए, उनका कमोड है 8 लाख। रवि जी, रवि जी का है, मैंने लाखों ताजमहल पढ़े, किसी निवास में नहीं देखे सर। अब वो शीश महल कहलाता है, कह दिया है। आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहूँगा कि आशी मार्लेना के मदर फादर वही हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। इन्होंने अफजल गुरु को बचाने के लिए राष्ट्रपति के लिए दया याचिका लिखी थी। इनकी नजरों में जो आतंकवादी अफजल गुरु था वो बेकसूर था, निर्दोष था। और आज जो आशी मार्लेना दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है वो उन्ही की पुत्री है। ये देखो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसके अंदर माइंस चाहे कि ग्रेनेड कितना भी आप कर लो, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। दूसरा गाड़ी में क्या है, माइंस ग्रेनेड वगैरह लगाने से क्या होता है, गाड़ी उड़ जाता है, ठीक है। ये गाड़ी ऐसा गाड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सर सर एक मिनट थोड़ा सा बाहर आना, एक मिनट थोड़ा सा बाहर। हाँ, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, दिखाता हूँ अंदर का क्या था सिस्टम है, ठीक है। ये देखो महिंद्रा ने बनाया, ये महिंद्रा ने बनाया गाड़ी, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, दिखाता हूँ अंदर का सिस्टम कैसा है। ये देखो एलईडी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ये है एलईडी सब कुछ लगा हुआ है। ये कम से कम जो है 500 मीटर आगे से जो है कैच कर लेगा जो जो माइंस बिछा हुआ है, ठीक है, देख लो बहुत हेवी गाड़ी है। यह है आपके एक सही वोट देने का नतीजा। यह मोदी सरकार का प्रयास है कि हमारे सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं मिलें। वे हमारे देश के लिए अनमोल रत्न है, इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं, आज हमारा देश सुरक्षित है। अचल प्रदेश के अंदर स्थिति ऐसी है कि मुख्यमंत्री को खुद को वेतन देने के पैसे नहीं है। ये एक ही बात दर्शाता है कि राहुल गांधी का जो खटाखट मॉडल था उससे राज्य की वित्तीय स्थिति भयंकर और भयानक हो चुकी है। आरबीआई ने 2022 में ही एक रिपोर्ट निकाली थी, जिस रिपोर्ट में यह दावा किया था कि आने वाले समय में फ्रीबीज की राजनीति के चक्कर में जो सरकार है उनका खजाना खाली होने वाला है। और आज के समय में कांग्रेस के हर राज्य की यही स्थिति है, क्योंकि जनता वैसे तो कांग्रेस को वोट देने से रही, तो कांग्रेस ने फ्रीबीज की ही राजनीति अपना ली। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा, और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। आइए जानते हैं ये फ्रीबीज क्या होता है और कैसे आज ये हमारे देश के लिए इतना घातक होता जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था स्टेट फाइनेंस आर रिस्क एनालिसिस। इस रिपोर्ट में एक टर्म इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है फ्रीबीज, और आज इसी फ्रीबीज की राजनीति के चलते कर्नाटक व हिमाचल दिवालिया होने की कगार पर आ चुके हैं। आरबीआई की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2026 व 2027 तक इन राज्यों की आय में और कमी होगी, इनके खर्चे बढ़ते जाएंगे, और इसमें जो सबसे खराब स्थिति है वो पंजाब की होने वाली, बाकी का केरल, बंगाल, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों
गरीबों की भी स्थिति खराब होने वाली है। कांग्रेस की इस फ्री वीज की पॉलिटिक्स के चलते आज गरीबी तो नहीं मिटी, किंतु कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें आज कर्जे के तले अवश्य दबती जा रही है। राहुल गांधी का इस पर ये कहना ये तर्क है कि हम सबको 8,500 रुपए महीने देंगे व महिलाओं को 1,500 से लेकर 2,000 रुपए तक हर महीने देंगे, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और जब हिमाचल में व कर्नाटक में इनकी इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वहाँ गरीबी तो दूर नहीं होती, बट यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को व वहाँ के विधायकों को अपने 2-2 महीने की तनख्वाह छोड़नी पड़ती है। भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वालों के सदस्यों ने यह तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो करवा कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। वैसे हाँ, ये सब कहने व सुनने में काफी अच्छा लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है, बट इनके एक फ्लाइट का टिकट ही इनके 2 महीने की तनख्वाह के बराबर होता होगा। बट हाँ, एक संदेश के रूप में जनता को बहलाने के लिए ये काफी अच्छा है। यदि राज्य को चलाने के लिए ही 2 साल में इतना कर्ज लेना पड़ता है, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के बचे हुए 3 सालों में क्या ही हिमाचल की स्थिति आज होने वाली है। एक तरफ आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फ्री वीज की पॉलिटिक्स के चक्कर में हिमाचल व कर्नाटक जैसे कई राज्य दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। आम जनता का भला करना तो दूर की बात है, वो अपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय पर नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष का ये कहना है कि देखते हैं मोदी जी, हमारे होते हुए तुम भारत के लिए विश्व की सबसे बड़ी 3री अर्थव्यवस्था कैसे बनाओगे। हिमाचल, कर्नाटक और पंजाब, जो कि दिल्ली से भी ज्यादा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान रखता है, उनकी हालत इस समय पर ऐसी हो रखी है कि वो खुद का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था में क्या ही योगदान देंगे। और फिर यही फ्री की रेबड़ियां बांटने वाले नेता मोदी जी पर सवाल उठाए कि मोदी जी, आप तो कहते थे कि जल्दी हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी 3री अर्थव्यवस्था बनेगा, अब यहाँ तो हमारा देश और भी पीछे ही जा रहा है। इस विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, ये देश को कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। इस समय हमारा देश भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी रिसेंटली ही एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 7.2% के हिसाब से हम ग्रो करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह अंदर ही अंदर फ्री वीज की पॉलिटिक्स खोखला आज किए जा रही है। आज भारत के बड़े बड़े राज्य एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जहाँ जहाँ ये फ्री की पॉलिटिक्स हावी है, वहाँ की आज अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है। और यदि आने वाले समय में हमारे देश की जनता नहीं जाएगी, ऐसे ही फ्री की रेबड़ियों के पीछे भागती जाएगी, तो और भी राज्यों की गिनती इसमें बढ़ती जाएगी। गरीब के लिए योजना लाना एक अलग चीज है, जहाँ पर आप देखते हैं कुछ ऐसे परिवार हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं, उन्हें ये सुविधाएं दी जाए, लेकिन आज फ्री वीज की पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई है कि जो सक्षम भी है उन्हें भी फ्री की सुविधाएं दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आज बसों में महिलाओं के लिए बस यात्रा एकदम मुफ्त है। अब आप ही बताएं, क्या हमारे देश की सारी महिलाएं इतनी गरीब है कि वो बस का एक टिकट तक नहीं खरीद पाएंगी। हाँ, कुछ गरीब महिलाएं अवश्य होंगी जो कि बस का टिकट ना खरीद पाए, यात्रा करने के लिए उन्हें ये फ्री की सुविधा दी जानी चाहिए, बट आप अपने वोट बढ़ाने के लिए सभी को ये फ्री की सुविधाएं दे देंगे, कहाँ तक जाया जाए। क्या आज हमारे देश में सभी परिवार ऐसे हैं जो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल तक जमा ना कर पाए, बट उसके बावजूद भी सभी को मुफ्त की बिजली की सुविधाएं दी जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। अब चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सत्ता में तो ये कहकर आए थे कि हम गरीबी व अमीरी के बीच का अंतर दूर करेंगे, तो क्या ऐसे ही अमीरी व गरीबी का अंतर दूर होगा? आज हिमाचल सरकार की स्थिति ये आ चुकी है कि टैक्स पेयर्स को ये जो फ्री की बिजली दे रहे थे, अब उस स्कीम को वापस ले लिया है, अब उस पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब फ्री बिजली सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब इनसे मेरा यही एक सवाल है, जब यही करना था तो जनता को फ्री का लालच देकर उनसे वोट क्यों लिया? आज हमारे देश की जनता को, हमें व आपको ये समझना होगा कि यदि ये आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बस यात्रा कराएंगे, तो उसका जो खर्चा होगा ये कहाँ से आएगा? ये 8,500 रुपए आपकी जेब में खटाखट डालेंगे तो कहाँ से डालेंगे? ये रुपए कहाँ से आएगा? कुल मिलाकर ये आपके एक हाथ से छीनेंगे और दूसरे हाथ में वही थमा देंगे, और इनकी इस फ्री बीज की पॉलिटिक्स के चक्कर में राज का चक्का जाम हो जाएगा। हमें ऐसे नेताओं के इस तरह के जाल में नहीं फंसना है कि उन्होंने फ्री का चारा डाला और हम फंस गए। हमें और आपको देखना होगा कौन सा नेता ऐसा है, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने अपने जो चुनावी वादे किए हैं और उन्हें पूरा भी किया है। आज हमें हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसी सरकारों को चुनना होगा जो सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए झूठे वादे ना करें, फ्री की रेबड़ियां ना बांटें। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपके ज्ञान में जरा भी वृद्धि हुई तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को निरंतर देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी का आप यहाँ पर क्लिक करके भी अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। नजरे मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है। संस्कृत में गाए, संस्कृत में ठीक है। 1, 2
3 स्टार्ट मम नयने मृग नयने ते प्रेम निमग्ने तव नयने मृग नयने मे प्रेम निरूढे यो दर्शनीयस्मरसीहतम एवं यो दर्शनीयस्तम विस्मरसीह कथम ते रूपमति दिव्यम श्रीवल्ली नयनद्वये मे स्थिरम हो